जब एक स्टूडेंट अपनी सिटी छोड़ के दूसरे सिटी में जाता है, अब चाहे वो कॉलेज के लिए हो या किसी चीज़ के लिए भी हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? मनी। हाँ वो भी है, बट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो है स्टे की, और वो भी बैंगलोर जैसे सिटी में फ्लैट फॉर स्टूडेंट्स। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू माई फ्लैट टू एंड आई एम गोइंग टू डिकोड एवरी लिटिल एक्सपेंसेस दैट यू आर गोइंग टू गेट व्हाइल शिफ्टिंग। तो चलते हैं और वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना। लास्ट में मैंने पूरी एक्सपेंसेस की डिटेल बताई कि पर पर्सन अगर आप फ्लैट में शिफ्ट होते हो एज अ स्टूडेंट। तो चलते हैं सीधे मेरे फ्लैट में। मिनट, यह फ्लैट में सीधे पहुंचा दूंगा, डायरेक्ट फ्लैट दिखा दूंगा तो थोड़ा फिक्सनल नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि यार सो बना बनाया दे दिया, तो मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहले चलते हैं फ्लैट की प्रिपरेशन देखने, फ्लैट के पीछे होता क्या है, जो रियलिटी है वो दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को। थर्ड ईयर में हो, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में हो और आप फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हो तो क्या क्या सामान चाहिए वो सब मैं दिखा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं। तो गाइस अभी हमने एक इंडक्शन सेलेक्ट किया, अभी देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं, और बहुत कुछ लेना है अभी, प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं इसमें लगा के। क्वालिटी ले लेते हैं भाई, एक्सटेंशन मिल गया हमको, सबसे काम की बात जो है तो वैसे अभी वाईफाई लग रहा है। सारा सामान और सबकी तैयारी करने के बाद हमने फाइनली सोचा कि अब चलो शिफ्ट कर ही लेते हैं। तो गाइस फाइनली वो टाइम आ चुका है स्टेजा छोड़ने का, अभी बहुत सारा सामान ले जाना। चलो फिर से आओ, स्टार्ट हो गया, बहुत सूट वूट हो गया, चलो अब ओरिजिनल करते हैं। और सर कैसे हो, बड़े दिनों बाद। सर फ्लैट लिया हूँ सर, तो थोड़ा सा सोचा कि इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। तो अभी बताने वाले हैं कि कितना खर्चा हुआ, क्या क्या हमने लिया अगर आप स्टार्ट कर रहे हो फ्लैट में रहना। तो स्टार्ट करते हैं मोहन से, और गेट से स्टार्ट करेंगे इसलिए मैं आपको कुछ दिखाऊंगा नहीं। तो गाइस ये एंट्री है, यहाँ पे एक डस्टबिन है, ये जूते चप्पल रखने का सामान है, एक झाड़ू है। तो आपको 300 रुपए में एक रैक मिल जाएगा, सिंपल सा रैक, आराम से चार लोगों के जूते आराम से रहेंगे। हॉल की बात करें तो हॉल काफी अच्छा है, ये आपको स्टैंड दिया हुआ टीवी स्टैंड, वैसे हम बहुत गरीब है इसलिए टीवी नहीं ले सके। हमने टेबल खरीदा था 1000 रुपीज का, ये काफी कम्फर्टेबल भी है, इसमें बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, और कम्फर्टेबल भी है, फोल्डेबल भी है, आप काफी एडजस्ट कर सकते हो उसको। हमने 2 BHK लिया, ये हमारा 2 BHK है, तो एक हॉल हो गया प्लस 2 बेडरूम है और एक किचन है। तो हॉल की बात हो गई, बाकी ऐसा ही हॉल ऐसा कुछ दिखता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बाथरूम का अगर दिखाऊँ तो गाइस ये दिस इज बाथरूम, और यहाँ पे ये हमारे बाथरूम में पहले से ये सब गीजर वीजर लगा हुआ था, तो काफी अच्छा हमें फ्लैट मिल गया था, मस्त फुल फर्निश्ड है, पूरा टाइल्स वाइल्स लगा हुआ है। तो ऐसा कुछ बाथरूम का सीन है, और काफी अच्छा बाथरूम, मतलब मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एक बाथरूम है जो कि हॉल में अटैच है, ये दिखा सकते हैं, ये पहला रूम है आपको, मस्त मतलब काफी ज्यादा स्पेस है, आराम से 2 लोग रख सकते हो। तो बेड के बारे में बताने जाएंगे सर, तो क्या कहना चाहेंगे बेड के बारे में? यार जो सुकून है, जो नींद कहीं पे नहीं आता है। बेड हमने खरीदा था वही वीमार्ट वाली रोड से, एक पाजी की दुकान है वहां से, 1700 में किसी भी गद्दे की दुकान में मिल जाएगा बेसिकली। हाँ। हाँ। और कितना 5 इंच का है। हाँ। जो भी है। हाँ। और आपको 1700 रुपए में मिल जाएगा। तो बेसिकली गाइस हमने गद्दा प्रेफर किया है इन कंपैरिजन ऑफ बेड, क्योंकि वो ज्यादा स्पेस भी लेता है, तो गद्दा रहेगा यार, आप इसको जल्दी से इधर उधर शिफ्ट करके सही भी कर सकते हो, बेड में थोड़ा माता बच्ची रहता है। नहीं दिखाएंगे भाई, नहीं भाई तुम्हारा तो काफी अच्छे से। ओ माय गॉड, ये वार्डरोब मिला है काफी अच्छा है, स्लाइडिंग वाला है, तो काफी ज्यादा स्पेस है, एक साइड ये है और ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन था ये रियलिटी है। पर भी काफी स्पेस है, तो सामान रख सकते हो, ये गेमिंग टेबल है, प्लस ये गेमिंग टेबल नहीं, आपको साथ ही साथ एक टेबल मिलेगा, आप इस पे बैठ कर पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हो, प्लस ड्रॉअर मिलेगा, नीचे भी एक सामान रखने का, तो वो कॉपी रख सकते हो। वाईफाई लगवाया हमने एयरटेल का, वो ऊपर है दिख नहीं रहा, वो कितने का बड़ा वो कौन बता रहा है, 3000 3 महीने, तो काफी सही चल रहा है, स्पीड 100 MB/s है। तो फिर ये दूसरा बाथरूम है जो इस रूम में अटैच्ड है, सेम उसी टाइप का है, आप चलते दूसरे रूम में, उठो अब हम ले जाएंगे सेठ जी के रूम में, आप आइए, तो आप देख सकते हैं सेठ जी बहुत साफ सफाई से। तो गाइस आप जैसे देख रहे हैं कितना साफ सफाई है, अभी मैं दिखाता हूँ। मैं इसमें भी सेम कुछ ऐसा टेबल मिला, बस इसमें वो ड्रॉअर वगैरह नहीं है, बाकी इसमें भी सेम टेबल है, ये वार्डरोब है, और इधर से मस्त खिड़की है, व्यू आती है, थोड़ा सा हल्का सा रूम ये वाला छोटा है। हाँ उसके कंपैरिजन। और गाइस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये 3 प्लग आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर आप बैठ के पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा दूर पड़ता है प्लग, तो हमने ये ले लिया। इसका भी कुछ 100 या 50 का पड़ा, 150 का पड़ा। तो इधर आए तो आप कपड़े वपड़े देख रहे हो, तो मतलब यहाँ फैला सकते हो, ये हमने जुगाड़ लगाया, वैसे छत है
वैसे हमारे पास छत है, छत पे ही फैला सकते हैं, बट यहाँ पे हमें आलस आता जाने में, तो हम यही फैला देते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज पे आते हैं, वॉशिंग मशीन और फ्रिज। तो बताना चाहिए, वॉशिंग मशीन और फ्रिज हमने 14,000 में कॉम्बो लिया था, सेकंड हैंड कॉम्बो लिया था, और उसका आपको अगर दुकान का जो भी डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आपको लिंक में डाल देंगे। और बाकी काफी सही है, इनका 1 साल का वारंटी है मोटर का इसमें और फ्रिज में कंप्रेसर का, और जब भी आपको सर्विस चाहिए सर्विस के लिए अवेलेबल है, आप उनको कॉल कर सकते हैं। मैं बता दूं 14,000 जो वॉशिंग मशीन और फ्रिज दोनों कॉम्बो में हमने सेकंड हैंड खरीदा है, तो 14,000 हम 4 महीने डिवाइड हुआ, हम 2 BHK के, हमारे पास एक और फ्लैट है जिसमें 4 दोस्त और हैं, तो हम लोग 8 लोग मिल के ये वॉशिंग मशीन फ्रिज दो लिए, क्योंकि 8 लोग में बहुत नॉर्मल है, आराम से हो जाता है, 8 लोग एक फ्रिज यूज़ करते हैं, एक वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, आराम से हो जाता है, तो वो 14,000 8 लोग में डिवाइड हुआ, तो बहुत कम सब पे पैसा पड़ा है। वाईफाई पर्सनल 4 लोग ने एक लगवाई है। गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप किचन पे आए हैं तो किचन के सरताज ये हैं, ये समझाएंगे कि बस एक इंडक्शन ले लिया और कुछ नहीं है। इंडक्शन लिए गाइस, इंडक्शन कितने का पड़ा? क्या है तो 2000 का है, 2000 का है। ये सब थोड़ा बहुत सामान है, सब तो आप ले लोगे, हमने थोड़ा बहुत पैन वैन लिया था, दिखाएंगे थोड़े बर्तन वर्तन ले लिए यार काम चलाने के लिए। तो ये है वाटर प्योरीफायर जनप्योर का, आप इसको रेंट पे ले सकते हैं, पर मंथ इसका 399 है जनप्योर की ऐप से लोगे तो, और हमने गारंटीड से लिया है, तो बेसिकली कुछ नहीं, आप इसको रेंट पे ले सकते हैं, आपको रेंट पे देना होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ नहीं है, फैसिलिटी ऐप से मतलब चलता है इसका। हाँ, ये वाईफाई से कनेक्टेड है आपका, जैसे आप 1 महीने का बैलेंस कर सकते हो, जैसे 1 महीने का बैलेंस हुआ आपने बैलेंस नहीं किया तो ये बंद हो जाएगा तुरंत। तो गाइस एक बार और बता सकता हूँ, आप खरीद भी सकते हो बिल्डर, क्योंकि वो थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, 8,000-9,000 का एक बार में आएगा, तो वो ले लो, क्योंकि अगर आपको साल में लेना है। बाकी रेंट वाला भी ठीक है, 4 लोग में डिवाइड हो जाता है, 400 रुपये तो 100 रुपये आता है, कोई वो नहीं है। ये हॉल हो गया, वो एक रूम है, दूसरा रूम है, ये एक बाथरूम है, ये किचन है, अंदर एक और बाथरूम है, बाकी ये अपन हम 4 लोग एक साथ रहते हैं, 4 लोग और जो हमारे दोस्त वो नीचे रहते हैं, तो जो फ्रिज है वो उनके रूम में है, वॉशिंग मशीन हमारे रूम में है, ताकि दोनों लोग का स्पेस कवर रहे। फ्लैट का प्राइस है 20,000 पर मंथ 2 BHK का, 2 BHK का, और इलेक्ट्रिसिटी बिल का अभी एज सच कोई मीटर नहीं लगा है, तो 1000 देना पड़ता है पर रूम, और 700 मेंटेनेंस चार्ज। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या सिक्योरिटी मनी में बता दो, सिक्योरिटी मनी हमसे 60 मांगा था, लेकिन हम वैसे भी करके उसको 40 देते हैं। स्टार्टिंग के मंथ में थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको 10,000 या 15,000 पर पर्सन सिक्योरिटी देना पड़ेगा, प्लस 5,000 पर पर्सन का रेंट पड़ेगा, क्योंकि 20,000 टोटल में, और 1,000 पर मंथ जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, और मेंटेनेंस में 600-700 जाता है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा खर्चा आएगा, बाकी फिर आपका थोड़ा स्टेबल हो जाओगे तो नॉर्मलाइज हो जाएगा कि 5,000 रुपये पर मंथ आएगा, तो काफ़ी सही है। बाकी खाने का मेस भी लगवा सकते हो या मेड भी लगवा सकते हो, आती है यहाँ पे आंटी बनाने वाले, बट अभी हम लगवाए नहीं, हम लगवाएंगे। हाँ गाइस, साफ सफाई का भी इंपॉर्टेंट था, कि साफ सफाई हमने एक आंटी रखी, वो आती है पर मंथ 1500 देते हैं, मैक्स टू मैक्स अगर आप खर्च करोगे तो पर पर्सन पर मंथ 10,000 रुपये हो जाता है फ्लैट में। इतना स्टैंजा में भी होता था, मैं ये नहीं कहूँगा स्टैंजा ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है, बट वहाँ से ज़्यादा कम्फर्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा है यहाँ पे, मतलब खाना भी अपने मन का खा सकते हो, तो ये बढ़िया है। चलते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन होगा पूछ लेना, बाकी मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो भी जहाँ से हमने जो जो लिया है तो देख लेना, बाकी ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। तो आई होप तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी मिल गई होगी कि बैंगलोर के फ्लैट्स कैसे हैं। हमें ज़्यादा कंफर्टेबल इस वाले फ्लैट में लगा, बट इससे सस्ते भी बहुत सारे फ्लैट्स हैं, इससे और महंगे भी बहुत सारे फ्लैट हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, तो थोड़ा यार एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो तुम आओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तुम आने के बाद तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो मुझे DM कर दो, इंस्टाग्राम ID दिखी होगी, बाकी तुम कमेंट बॉक्स में और कमेंट कर सकते हो तुम्हें किस टाइप की और वीडियोज़ चाहिए, तो तुम यार लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। क्या सचिन क्या कर रहे हो? फ्लैट में इसको रखो, आके सही करो।